पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के भी पार पहुंच चुके हैं। इन सबके बीच देश के पेट्रोलियम मंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अभी निजात नहीं मिलने वाली है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक देश में पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $70 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक भारत 80% तेल आयात करता है, इसलिए इसका असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घुटकी में दो ट्रेनों के आपस में टकराने से इतना भयानक हादसा हुआ कि 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बताया गया कि पहले एक ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर गिर गए और उससे गुजर रही दूसरी तेज रफ्तार ट्रेन से टकरा गए, जिसके बाद लंबी चौड़ी ट्रेनों के परखचे उड़ गए और वो एक खेत में पलटी हुई नजर आई। एक बोगी तो ऐसे उलट पुलट दिखी कि उसका निचला हिस्सा ऊपर और ऊपरी हिस्सा नीचे जमीन में धंसा नजर आया। हादसे के बाद की ऐसी तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर दें, क्योंकि जब मजबूत मेटल से बनी ट्रेनों का ही कचूमर निकल गया तो उनमें सफर कर रहे यात्रियों का हाल कैसा होगा ये सोचकर ही सिहरन पैदा हो जाए। लेकिन इसके बाद तो सोच आंखों के सामने सच बनकर खड़ी हो गई। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी ट्रेन के अंदर फंसा हुआ दिखा। उसे देखकर बचाव कर्मियों की भी सांसें अटक गईं। उन्होंने तुरंत उसे पानी पिलाया और उसे हवा करने लगे। हादसा इतना बड़ा था कि पाकिस्तान की सेना के जवानों को भी मोर्चा संभालना पड़ा। कबाड़ बन चुकी ट्रेनों के अंदर फंसे लोगों को सीधे निकालना नामुमकिन था, इसलिए आरी से बोगियां काटने का काम शुरू किया गया। आसपास रहने वाले लोगों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया और लोगों को ट्रेनों के मलबे से निकालते दिखे। यूपी के मुजफ्फरनगर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहाँ टायर से तेल निकालने वाली एक फैक्ट्री में आग लग जाने से हड़कंप मचा। बताया गया कि तेल लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे फैक्ट्री का एक हिस्सा अचानक आग की लपटों में गिर गया। देखते ही देखते उसके आसपास धुएं का गुबार फैलने लगा। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने इस हादसे की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। फिर 2 घंटे में आग पर काबू पा गया, कोई चोट के पेट नहीं है, कोई जनहानि नहीं है। फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग को फैलने से तो बचा लिया, लेकिन उसके बुझने तक फैक्ट्री को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी। मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उनकी वेतन बढ़ाने समेत कई मांगे मान ली। स्टाइपेंड में 17% की बढ़ोतरी कर रहे थे, वही हमने उनको बोला और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में खोरी गांव के 10,000 मकान तोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के नगर निगम को 6 हफ्ते में जमीन को खाली करवाने का आदेश दिया। अदालत ने साफ किया कि जंगल की जमीन के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी गई। वहां CRPF के जवानों ने सड़क पर बिछाए गए विस्फोटक को वक्त रहते नष्ट कर दिया। CBSE ने छात्रों को प्रैक्टिकल नंबर देने की तारीख बढ़ा दी। अब स्कूल छात्रों के ऑनलाइन प्रैक्टिकल लेकर 28 जून तक उनके नंबर वेबसाइट पर डाल सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए सभी 75 जिलों में पिंक बूथ की शुरुआत हो गई। राजधानी लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को वैक्सीन लगाने का काम जारी दिखा। इस वक्त अवंती बाई हॉस्पिटल आप देखिए, यहाँ जो बूथ है वो पिंक बूथ बनाएगा और यहाँ सिर्फ महिलाओं को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाने के लिए इन बूथ पर महिला कर्मचारियों को ही तैनात किया गया है। ऐसे में प्रशासन ने महिलाओं से अपील की कि वो वैक्सीनेशन कराने में पीछे न रहें। 100% लोग अपनी स्लॉट बुकिंग करते हुए, अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हुए इसका लाभ ले। पिंक बूथ पर कोरोना का टीका लगवाने पहुंची महिलाओं ने राज्य सरकार के इस कदम को खूब सराहा। 15 मिनट्स बिना ज्यादा क्राउड के कन्वीनियंटली मुझे वैक्सीनेशन लग चुका।